बिहार की हार को लेकर गांधी वाड्रा परिवार पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ घिर गई है। पार्टी के 23 नेताओं ने सीधे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, गोवा कांग्रेस अल्पसंख्यक इकाई के अध्यक्ष उरफान मुल्ला ने बिहार में पार्टी की हार का ठीकरा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर फोड़ते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। गांधी वाड्रा परिवार के लिए इतना भी होता तो गनीमत होती, लेकिन कांग्रेस के सबसे पुराने सहयोगी आरजेडी ने भी अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। मतलब कि आरजेडी ने अब कांग्रेस से दूरी बनाने का पूरा फैसला कर लिया है। आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी ने जिस अंदाज में कांग्रेस पर हमला किया, वैसा शायद कांग्रेस के साथ कभी हुआ नहीं होगा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस इस बार चुनाव में महागठबंधन के लिए घातक साबित हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में 70 उम्मीदवार उतारे, लेकिन 70 सार्वजनिक रैलियां भी नहीं की। उन्होंने कहा कि चुनाव अपने चरम पर था और राहुल गांधी शिमला में बहन प्रियंका गांधी के साथ पिकनिक मनाने गए थे। क्या इस तरह से पार्टी चलती है? राहुल और प्रियंका पर यही आरोप लगाते हुए बिहार कांग्रेस के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी है, जो एक तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए खुली चुनौती है। बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम आने के 5 दिन बाद पहली बार आरजेडी की तरफ से हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि जब बिहार में चुनाव अपने चरम पर था, तब राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर शिमला में पिकनिक मना रहे थे। क्या पार्टी ऐसे चलती है? कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, उससे बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार को जानते नहीं थे, उनके हाथ में प्रचार की कमान थी। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, जबकि प्रियंका गांधी तो आए भी नहीं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस का जोर हमेशा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का रहता है, लेकिन जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं, उससे सहयोगियों को नुकसान ही पहुंचता है। कांग्रेस को अपनी इस रणनीति के विषय में विचार करना चाहिए। पहली बार है जब आरजेडी या महागठबंधन की तरफ से हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया। शिवानंद तिवारी के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी जी के बारे में बिहार में महागठबंधन के सहयोगी पार्टी आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्यटक राजनेता हैं। शिवानंद जी तो राहुल जी को ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं, फिर भी कांग्रेस चुप क्यों? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने भी इस बात को कबूल किया कि बिहार में महागठबंधन की हार कांग्रेस की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 40 से 45 सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन हम 19 तक सिमट कर रह गए। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली, आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसके मात्र 19 प्रत्याशी ही जीतने में सफल रहे। महागठबंधन के सहयोगियों में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब था। कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन लेफ्ट पार्टियों का रहा। लेफ्ट पार्टियों ने 29 सीटों में से 16 सीटें जीती, जिसमें से सबसे अधिक 12 सीटें CPIML ने जीती थी, जो कि 19 सीटों पर खड़ी थी। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार विधानसभा और कई राज्यों में हुए उपचुनावों में कांग्रेस को मिली हार के बाद गांधी वाड्रा परिवार एक बार फिर पार्टी के नेताओं के निशाने पर है। लेकिन इस बार सिर्फ पार्टी के नेता ही नहीं, बल्कि सहयोगी दल के नेता भी पार्टीबाज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। मतलब कि कांग्रेस में सोनिया गांधी के निजाम को एक बार फिर जोरदार चुनौती दी जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि न सिर्फ बिहार बल्कि देश के जिन भी हिस्सों में चुनाव हुए, उनके परिणामों ने स्पष्ट कर दिया कि जनता ने कांग्रेस को एक प्रभावशाली विकल्प के रूप में देखना ही बंद कर दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात करते हुए कहा, वहां हुए चुनावों में कांग्रेस को 2% वोट पाने में भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। कपिल सिब्बल ने कहा, गुजरात में कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों की जमानत ही जब्त हो गई। उनका कहना है ये सब अप्रत्याशित नहीं था, बल्कि पहले से ही दिख रहा था। उन्होंने बताया कि CWC के एक सदस्य ने ये भी कहा कि वो आशा करते हैं कि पार्टी आत्ममंथन करेगी। कपिल सिब्बल ने पूछा कि जब पिछले 6 वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने आत्ममंथन नहीं किया, तो अब कौन आशा करे कि वो ऐसा करेगी। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक रूप से पार्टी में क्या गड़बड़ी है, ये सभी को पता है। उन्होंने कहा कि जवाब भी सबके पास है, कांग्रेस भी जानती है, लेकिन वो ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस पार्टी का ग्राफ यूं ही गिरता जाएगा। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान में वर्किंग कमेटी हिचक रही है, क्योंकि ये एक नॉमिनेटेड बॉडी है।
उन्होंने कांग्रेस के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि कार्य समिति के चयन के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्य समिति के नॉमिनेटेड सदस्यों से समस्याओं पर आवाज उठाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। 22 नेताओं द्वारा नेतृत्व को पत्र लिखकर बदलाव की मांग पर उन्होंने कहा कि पार्टी में अपने विचार रखने के लिए कोई फोरम नहीं है। उन्होंने यूपी बिहार जैसे बड़े प्रदेशों में कांग्रेस के विकल्प न बन पाने पर अफसोस जताते हुए कहा। मध्य प्रदेश में भी 28 में से कांग्रेस के 8 उम्मीदवार ही जीत पाए। उन्होंने चेताया कि कांग्रेस पार्टी को बहादुर बनकर समस्या को पहचानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हमने सुझाव दिए तो नेतृत्व ने पीठ दिखा दी, इसलिए आज ये हालात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नेताओं को सुनना बंद कर दिया जाए तो संचार ही ठप हो जाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मेन स्ट्रीम मीडिया को सत्ताधारी पार्टी ने नियंत्रण में रखा हुआ है। उन्होंने लोगों तक पहुंचने के लिए एक नए माध्यम की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, फिलहाल हम सोशल मीडिया पर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर उसके परिणाम नजर नहीं आ रहे। उन्होंने ऐसे नेताओं को आगे करने पर जोर दिया जिन्हें लोग सुनना चाहते हों और जो सक्रिय रूप से सोच विचार कर नेतृत्व करें। कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व फिलहाल क्या सोच रहा है ये उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन्हें नेतृत्व के आसपास के लोगों से ही ये बातें सुनने को मिलती हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि ताजा चुनावों में हार के बाद अब तक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के नेताओं द्वारा कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे जैसा चल रहा है चलने दो की तरह ले रही है। उन्होंने आगे कहा कि नेतृत्व को ये लगता है कि सब ठीक है। हाल ही में बिहार कांग्रेस के विधायक दल का नेता बनने के लिए 2 विधायकों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं द्वारा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने की बात भी सामने आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की तुरंत बैठक बुलाकर बिहार में चुनावी असफलता पर चर्चा की जाए। पत्र में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की भी मांग की गई है। CWC के 5 सदस्यों ने इस पत्र के लिखे जाने की पुष्टि भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से बंगाल की सियासत में तूफान मच गया। विधायकों और मंत्रियों के बगावती बोल से ममता बनर्जी बैकफुट पर चली गई। कांग्रेस को भी बिहार के नतीजों से गहरा धक्का लगा है, लेकिन बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में मिली जीत के बाद बंगाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ओवैसी की पार्टी ने ममता बनर्जी को गठबंधन करने का खुला ऑफर दे दिया। बिहार में 5 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जीत दर्ज करने वाली ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने स्पष्ट कर दिया है कि कार्यक्रमों की घोषणा के बिना वो भी बंगाल में सक्रिय हो चुके हैं। AIMIM के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस चाहे तो वो पश्चिम बंगाल में गठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले AIMIM ने ममता बनर्जी के सामने गठबंधन के दरवाजे खोल दिए। मतलब बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई अब काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस को जीतने के लिए मुस्लिम वोट बैंक की दरकार है और लेफ्ट पार्टियां भी मुसलमानों के भरोसे ही हैं। ममता बनर्जी के सबसे वफादार वोटर्स भी मुस्लिम ही हैं और अब ओवैसी भी इसी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को गठबंधन का ऑफर देकर ओवैसी ने एक तरह से TMC को घेर लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने AIMIM के निमंत्रण को लेकर निशाना साधा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि AIMIM हमें हराने के लिए सेक्युलर पार्टियों की जोड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें AIMIM TMC गठबंधन को लेकर कुछ भी नहीं कहना है। AIMIM ने बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद TMC को ये ऑफर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने ये जीत संगठनात्मक मजबूती की वजह से हासिल की है। हम लोग आने वाले समय में इसी मजबूती के जोर पर बंगाल में भी सत्ता बदल देंगे। TMC नेता शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर दिलीप घोष ने कहा, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये सच है कि TMC में कोई नेता बागी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक प्रभावी नेता है, परिवहन मंत्री हैं। इसके अलावा 4-5 TMC विधायक और भी हैं जो बागी हो रहे हैं। वे कहते हैं कि उनका पार्टी में दम घुटता है, TMC में कोई मान सम्मान नहीं है। चर्चा है कि ये लोग कहीं पार्टी ही न छोड़ दें। TMC विधायक बेचाराम मन्ना पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और राज्य के मंत्री रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जी इस्तीफा देने की तैयारी में है। बंगाल में ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट और ममता बनर्जी तीनों का खेल खराब होना तय माना जा रहा है। और जब मुस्लिम वोट बैंक के लिए तीनों के बीच कांटे की लड़ाई होगी तो बीजेपी इसे अपने लिए बेहतर मौका मानकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
कांग्रेस बिहार में हारी, गुजरात में सूपड़ा साफ हो गया, यूपी में 2% वोट के लाले पड़ गए, कर्नाटक में कांटा चुभ गया, मध्य प्रदेश में हवा खराब हो गई। और अब इन सब का असर पूरे देश में दिखने लगा है। ताबड़तोड़ चुनावी हार के बाद गोवा प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष उरफान मुल्ला ने पार्टी में दिशा और नेतृत्व की कमी का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उरफान मुल्ला ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर अपना दर्द बयां किया। मुल्ला ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा कि कांग्रेस संगठन दिशा और नेतृत्व की कमी से ग्रस्त है। गोवा में पार्टी के पुराने नेता निर्णय लेने में बुरी तरह से विफल रहे हैं। गौरतलब है कि उरफान मुल्ला के इस्तीफे से पहले पार्टी के 23 सदस्यों ने भी सोनिया गांधी को एक पत्र, पार्टी की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर करते हुए और इस पर काम करने के तरीकों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। पत्र में कांग्रेस कार्य समिति की तुरंत बैठक बुलाकर बिहार में चुनावी आकलन पर चर्चा करने और कथित तौर पर पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की मांग की है। इसके पहले भी कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल सहित 22 नेताओं ने भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। रेडिफ पर प्रकाशित आर राजगोपालन की रिपोर्ट में बताया गया कि सीडब्ल्यूसी के 5 सदस्यों ने पत्र लिखे जाने की पुष्टि की है। कथित तौर पर पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि जब बिहार चुनाव प्रचार चरम पर था और यहां तक कि जिस दिन नतीजे आने थे उस दिन भी पार्टी का नेतृत्व करने की बजाय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला में छुट्टियां मना रहे थे। पत्र में बिहार की चुनावी असफलता के संदर्भ में कांग्रेस नेताओं द्वारा कई तरह की चिंताएं जताई गई। साथ ही अहमद पटेल ने कोरोना संक्रमण और महामारी के कारण नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय 24 अकबर रोड में राजनीतिक गतिविधियां ठप होने को लेकर भी चिंता जाहिर की है। रेडिफ ने एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा कि क्या इस तरह की लापरवाही कोई और पार्टी कर सकती है जिसका राष्ट्रीय प्रभाव हो। रिपोर्ट में एक अन्य नेता के हवाले से पार्टी में पैदा शून्य को लेकर कहा गया कि कांग्रेस केवल प्रवक्ताओं के टेलीविजन बहस के सहारे ही चल रही है। कपिल सिब्बल ने भी फिर से कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि आला कमान को लगता है कि सब कुछ ठीक है और उसका इरादा इसमें किसी तरह के बदलाव का नहीं है। अगर होता तो इसे लेकर अब तक मंथन चिंतन सब कुछ हो चुका होता, जो अब तक हुआ नहीं वह आगे भी होगा। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच आरजेडी ने भी कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को निशाने पर लिया और कहा यहां चुनाव चरम पर था और जनाब शिमला में मौज मना रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा तो प्रचार करने आई भी नहीं। आरजेडी की बातों में दम इसलिए ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस ने जिन स्टार प्रचारकों का नाम जारी किया था उनमें से कितने बिहार में प्रचार करने गए ये सबको पता है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट सिर्फ चुनाव आयोग के कार्यालय तक सिमट कर रह गई, मैदान में कोई नेता दिखाई तक नहीं दिया। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मंदिरों को खोलने के सवाल पर बीजेपी और शिवसेना के बीच लंबी तकरार हुई। आखिरकार राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन खुद को सेक्युलर साबित करने के लिए धार्मिक स्थलों को दिवाली के दूसरे दिन खोला गया। उद्धव ठाकरे चाहते तो ये काम एक दिन पहले यानी दिवाली के दिन भी कर सकते थे। खैर, सभी धार्मिक स्थल राज्य सरकार की अनुमति के बाद 8 महीने बाद खुल गए हैं। इसके लिए धार्मिक स्थलों पर पुख्ता तैयारी की गई। इसको लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर निशाना साधा। बीजेपी नेता राम कदम ने हिंदुत्व पर शिवसेना को कटघरे में खड़ा किया। राम कदम ने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व की बात न करें, कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी शिवसेना के लिए। राम कदम ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कहा कि सिद्धिविनायक मंदिर ढोल ताशे के साथ नाचते झूमते गुलाल उड़ाते खुशी का इजहार करते हुए भगवान के दर्शन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार की जनता के दबाव के कारण करारी हार और जनता बड़ी जीत का जश्न होगा। सिद्धिविनायक महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करें। उधर राम कदम के इस ट्वीट पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को पुनः खोलने का राज्य सरकार का फैसला किसी की जीत या हार नहीं है। उन्होंने कहा पूजा स्थलों को फिर से खोलने का श्रेय लेने का कोई सवाल उठता ही नहीं। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संकट के चलते 18 मार्च को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे, लेकिन मंदिरों को खोलने के लिए बीजेपी ने जैसे एक आंदोलन सा छेड़ दिया था, अनशन हुआ। महाराष्ट्र सरकार के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार को इसके लिए चिट्ठी लिखी। इसके बाद तो बात हिंदुत्व तक पहुंच गई थी। सरकार के निर्देश के अनुसार सख्त नियम लागू किए गए। राज्य के प्रमुख मंदिरों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रण करने के लिए विशेष कदम उठाए।
सिद्धिविनायक मंदिर में रोज 1000 श्रद्धालु ही मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। बिना बुकिंग के किसी भी श्रद्धालु को दर्शन नहीं हो सकेंगे। शिरडी के साई मंदिर ने प्रतिदिन 3000 श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था की है। अन्य मंदिरों और विभिन्न धामों के धार्मिक स्थलों पर भी इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ब्रेक लेकर शिमला छुट्टी मनाने चले गए। आरजेडी ने हार का ठीकरा उनके माथे पर ही फोड़ा, जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। जब भी पार्टी चुनाव मैदान में होती है या फिर किसी बड़े संकट का सामना कर रही होती है, राहुल गांधी उसी दौरान कहीं न कहीं छुट्टी मनाने के लिए निकल जाते हैं। महागठबंधन बिहार में सत्ता से महज कुछ सीट दूर रह गया। कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा। शिवानंद तिवारी के आरोपों के मुताबिक उतनी मेहनत नहीं हुई जितनी जीत के लिए जरूरी थी। शिवानंद तिवारी ने सीधा सीधा कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए। तिवारी का ये आरोप है कि चुनाव जब अपने चरम पर था और राहुल गांधी शिमला में अपनी बहन प्रियंका के साथ पिकनिक मना रहे थे। बात एक साल पुरानी है, जब दिसंबर महीने में झारखंड विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। आखिरी चरण के लिए प्रचार के दौरान राहुल गांधी साउथ कोरिया निकल गए। उसी वक्त पूरे देश में CAA के खिलाफ प्रदर्शनों ने भी जोर पकड़ा हुआ था। झारखंड के चुनावी समर से राहुल ने हाथ खींचे तो पार्टी ने आनन-फानन में प्रियंका गांधी को पाकुर में रैली करने के लिए भेज दिया। प्रियंका ने हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों में प्रचार नहीं किया था और महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी ने कंबोडिया का प्लान बना लिया। 21 अक्टूबर से चुनाव होने थे, लेकिन राहुल 11 अक्टूबर तक छुट्टी पर थे। उनकी गैर मौजूदगी पर कांग्रेस के भीतर नाराजगी महसूस की गई। तब कांग्रेस ने कहा था कि राहुल गांधी की निजी स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र में जब चुनाव खत्म हुए तो राजनीतिक जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हुआ। बीजेपी और शिवसेना अलग हो चुके थे और नए समीकरण बन रहे थे। कांग्रेस शिवसेना और NCP को लेकर सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन राहुल देश में थे ही नहीं। उस वक्त राहुल के यहाँ न होने से पार्टी वक्त रहते फैसला नहीं कर सकी। दूसरी तरफ बीजेपी ने NCP में सेंध लगाकर शपथ ग्रहण कर लिया। हालांकि बाद में तीनों पार्टियां एक साथ आईं और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं का मानना था कि राहुल की गैर मौजूदगी के चलते पार्टी शुरुआत में हिचकिचाती रही। 2018 में कर्नाटक के भीतर कांग्रेस संकट से भी जूझ रही थी। JDS के साथ उसका गठबंधन टूटने की कगार पर था। इसी बीच राहुल गांधी का ट्वीट आया कि वे विदेश जा रहे हैं। 2017 में पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गई थी। इसके बाद राहुल गांधी के दिल्ली में एक हॉलीवुड मूवी देखने जाने की बातें सामने आईं। बीजेपी ने भी राहुल के इस कदम का खूब मजाक उड़ाया। विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को ट्वीट कर सफाई तक देनी पड़ी कि राहुल किसी अन्य भारतीय की तरह ही हैं, वे भी फिल्में देख सकते हैं।